देखो दादा, अरे देखो दादा मूर्त देखो दादा, बालक कृष्ण गरे मंद मूर्त देखो दादा, बालक कृष्ण गरे मंद मूर्त देखो दादा। पंडित लोग कहवाला का बोले महाराज महाराज तो लेख में ऐसा की बात आवे थे, यही बच्चा को मुंडू देखियो ना और आपका काम सारा ही फैल होया ना। ये विरहो ये बच्चा तो बहुत ही गलत घड़ी में जन्म ले लिया। तो सजनों ये बात सुनकर के राजा निराश हो गया और राजा ने कहवा लगा कि 12 साल के लिए यही बच्चा का मुंह देखना ही ठीक नहीं है। तो राजा वीर से राजा ले जा करके सियालकोट में ऑर्डर दे दिया और एक तल भावना में पूर्ण मल को पालन पोषण करना शुरू कर दिया। ब्राह्मण के कहने से वहीं मास्टर वगैरह सब काम हो लिया। 12 साल के बाद में वो तारीख फाइनल हो गई कि आज राजा के लड़का जो पूर्णमल है वो शहर में आओगो। पूर्णमल ने जिससे पहले ही पत्रिका लेकर के भेज दी कि महाराज 9 महीना 12 साल में बाकी रह रिया थी, जब मैं की गर्भ में रही हूँ 9 महीना के लिए तो वो भी एक तड़ भौरा था, मेरे को निकाल लीजिए। तो दुनिया मा से नाई ले लेकर के टीकार 360 बेड़ा होकर के कहवा लागा। जब पूर्ण मला आयो जब के कह दिया बेड़ा होकर के अरे नाई बहुत गणाया पहुंचा रहे यहां बोल रो राजा, नाई बहुत गणाया लाल नाम का और ले ले प्रसन्न होकर टीका, अरे ब्यागी कर लेनी तारी सभा सुने थे सारी जिंद बाजगा बाजा, नाई वो तगड़ाया पहुंचा भैया बोल गो राजा। तो संगपति आकर के कहवा लागो बोले भाई 360 नाई खड़ा से पूर्णमल जब आयो जब तरह तरह का बाजा बाजवा लागा और आकर के भेड़ा होगा लोग बाग जब के कहवा लागो तूने इच्छा हो टीका ले लीजिए। लेकिन पूर्ण हाथ जोड़ करके के कहवा लागो बोले महाराज तू कह रहा जो मेरे जो थे ई के कह रहे थे अरे पूर्ण खास बोपन नटिगो मैं गर्दा करवा मूंगो, पूर्ण खास बोपन नटिगो मैं गर्दा करवा थोड़ा दिन का चारा ओम नाम की मैं फेरूंगो माला, अरे गठ में वेरा छे मुझियारा अरे कोना सला मिलाऊंगो, पूर्ण खास बाप ने नटी गुरु मैं के ब्याह करवा करे, पूर्ण खास बाप ने भगवान बड़ा जुल्म की बात होगी। जब मंत्री कहवा लागो बोले महाराज तुम्हें ठहरो रहने दो 7-8 साल के लिए इसको घूमने दो, यो अभी तल हमारा निकलो जाए के लेके तो जन्मी हुए क्या ने ब्याह कहीं छे या 1 साल और 2 साल में कहवा लाग जाएगा बाप मेरो ब्याह करो जन्नाड़े कर दीजो सर आज ही के जल्दी से, आज तो नयन कहे उल्टा ही और पूर्ण मल की मंत्री की बात सुन करके और राजा उसी भगत कहता है कि भाई पूर्णमल तुम एक काम करो, सबसे पहले
ये अपनी माँ के महल में जाओ, आलों के दस बस पाओ। लेकिन जो इंसरा रानी है उनके तो गर्भ से तेने जन्म लिया आई है, छोटी रानी एक लौना दे और है, वह कई विचार में बैठी और की पहले महल मौका में जाओ और ढोके खाओ। के कहवा लागो राजा पूर्णमल ने उठ दे दिया। अरे बड़ दे आगे बुझा गाया कर लोना महल में जाया, बड़ती आगे बुझा गाया गिर वोड़ा महल में जाया, वही का पहला तेरी मावशी गऊ महल में लाया, बड़ा चेरा के बुझा काया गिर वहीं का महल में बेटा देवता बेटा की बहुत बुरी वे छे। अरे राजा पूर्ण मल ने कहे छे, अरे जाया 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 भेंगे रे जाओ भरते के बुझर काया में काम में जाया। राजा कहवा लागो संकपति बोले बेटा बेटा की विपत्ति बहुत बुरी हुई छे, काया में आग लाग रही छे और औरत के संतान की बहुत ज्यादा अवलासा रहे छे, तो पहले लौना दे तेरी माँ शिशम का महल में जाओ, उनका दर्श पर से कर आओ, उनके भी संतोष रहेगो कि भाई तेरो ही से जना यो आगो ने क्या टाओ जो पहले। तो पूर्णमल ने ऑर्डर मिलियो जब अपनी माँ से लौना दे का महल में जाने के लिए तैयार हो लिया और पूर्णमल वहां से रवाना हुआ। कई कई अद सुगन होता रहा, लेकिन पूर्ण उन बाता का के ख्याल करे सो कि अपने घर में जाते सुकन के क्या ते देखना पड़े से। तो सजना लौना दे के महल में पैड़िया छट करके जब महल के भीतर बिड़ो, जब सामना से पूर्णमल और लौना दे की आंख मिली, जिससे पहले ही मालूम पड़ गो लौना दे ने कि पूर्णमल सबसे पहले तेरे महल में आ रहा है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि पूर्णमल बहुत ही अजब है बहुत ही अजब है, कैसा पूर्णमल है, एकदम दृष्टि से पूर्णमल की तरफ देख रही है, जब टाइट में जाकर के इसका तीर टिक गया और तड़फड़ावा के लागे पूर्ण दीक्षा यो के कह रही देखा। अरे पूर्ण दोख लगा वाला गो पर मोड़ गए मुंडो, पूर्ण दोख लगा वाला गो पर अरे मोड़गी मुंडो रे पराने मोड़गी मुंडो, पूर्ण दोख लगा वाला जो पराने मोड़गी मुंडो, पूर्ण दोख लगा वाला जो पराने मोड़गी मुंडो। अरे बावला देखो थर थर करे शरीर और माथा में टिको ये सक को तीर, अरे दर कया ची धीर दुख गो वो तगणों डोर कपूर दुख लगा वाला जो पराने मोड़ गिर मुंडो, पूर्ण दुख लगा वाला जो डोड़ मोड़ गिर मुंडो। अरे मोड़गी मुंडोर बजन कर मोड़ गिर मुंडो, पूर्ण दुख लगा लगा जो जो। अरे ये भगवान तुम्हारी माया हर धूप कते कर दे छे छाया, अरे पूर्ण के बात नहीं समझ में आया आगे कह वो ढूंढो, पूर्ण तो लगा बाबा जो पराने मोड़ गिर मुंडो, अरे पूर्ण तो लगा बाबा जो पराने मोड़ गिर मुंडो। थर थर करे शरीर दरे ना दीरी, अरे नैना में आगो नीरे या बोली दुख गो हुंडो, पूर्ण दुख लगा वाला जो पराने मोड़ गिर, पूर्ण दुख लगा वाला जो गिर मोड़ गिर। अरे पूर्ण
करवा लागो ज्ञान फिर गी के सांवरिया की माया। अरे तेरी मावसी के मेला में आया, अरे आया है को बिरंगो क्यों गो ढूंढो जो बरा पूर्ण कानी देख करके परलाई मुंह फेर कर खड़ी होगी। जब पूर्ण जातो आशीर्वाद लेने के लिए अपनी माता के चरणा में धोख खाई धोखा नहीं जान को न करो और पूर्ण कहवा लगो बोले माता सिर पर हाथ धर करके आशीर्वाद दे दीजिए। पराने मुंह क्यों फेर लियो, लेकिन पूर्ण भी समझो कि ये शाही मन में कोई ख्याल आ गयो कि अपनी कूक से भी एक संतान यहाँ की होती तो बढ़िया रहती। अया का कोई मन में काची आ गई, पूर्ण यहाँ कहवा लागो बोले बोल मेरी माता मुंडा से बोलो क्या कारण है। और पराने मुंडो कहे फेर लियो जना पूर्ण के बोलियो रानी लौना दे कैसी जे अरे माता मचना खेर तेरी राख ले रानी अरे बावड़ा के फिर गी सांवरिया की माया और तेरी देखी सुंदर काया मेरे आया समझ में आया पाद यात से पानी पूरण माता मत ना कर तेरी रख ले रानी पूरण माता मत ना कर तेरी रख ले रानी। अरे यहाँ बोली चार पला को नाचनो दे में छाण दे पानी पूरण माता मत ना कर तेरी रख ले पूरण माता मत ना कर तेरी रख ले। अरे जब से तेरी सूरत देखी चोट जगर में लागी से अरे बाबा खागो तीर सक मेरी भूख प्यास सब भागी से अरे मेरे यहाँ समझ में आ गई से या बात थे शाइनी पूरण माता मत ना कर तेरे रख ले रानी पूरण माता मत ना कर तेरे रख ले रानी। ये पाचार पला गाना तेना मुछान जे पानी पूरण माता मत ना कर तेरे संतरा पका पकाया खा ले तू और पड़ी रकम की थैली गैला में नीचो वेरी उठा ले तू। अरे निर्मल गज जल की गंगा बेरी राजीव कर ना ले तू अरे नाले रे नाले बह तो जायो पानी पूरण माता मत ना कर भगवान का नाम से पूर्ण मतलब ध्यान धर बला क्यों माता बावड़ी से भांग खा रहा किसी तू मतलब कैसे मैं समझो को न मिली बात आये सिर तू के कहवा के लाग रही से पूर्ण मल को कहवा लाग रानी लौना दे बोले बावड़ो है से तेरे माँ और बेटा का सा नाता ठीक नहीं है मर्द और वीर का सा नाता सुंदर लगता है मेरे महल में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। पूर्ण की माता लौना दे की बात सुन करके और पूर्ण हाथ जोड़ कर आने और लौना देने के बोलो कि धर्म डबो वो ठीक नहीं है माता मेरे सामने तो साची साची बात बता के कह रहे थे ये
तूने छोड़ नरक में कोना जीवन व्यर्थ बनाती है। तूने छोड़ नरक में कोना जीवन व्यर्थ बनाती बनाती है मावसी व्यर्थ बनाती है। तूने छोड़ नरक में कोन जीवन व्यर्थ बनाती है। तूने छोड़ नरक में कोन जीवन व्यर्थ बनाती है। ए व्यर्थ बनाती है ये पुत्र गड़क लगाती है। तूने छोड़ नरक में कोन जीवन व्यर्थ बनाती है। पूर्णमल कहवा लागो बोलो देख तूने सबसे बड़ी बात यह बताऊं कि सबसे नीच काम नरक में होगा, नरक में भी तूने छोड़ नहीं मिलेगी, जबकि तुमने ऐसा वचन सुनाती है। और मेरी माता तुम माता ही रह करके रहो, आओ तेरे ता द्वापर कलयुग में अनहोनी होती, देखी ना बेटा के संग माता शेर सजोती, देखी ना माता पानी में अग्नि लगती, देखी ना बावली वेरी दे पानी में आग लागे भी कोई ना, अरे पूर्ण मल को घसे मत डिगे भी कोई ना। ये बात सुन करके भी रानी बड़ी शिक्षित हुई और रानी फिर कहवा लागी बोलो रे बावड़ो वेरियो से तूने जो जीवन रहनु सही दुनिया में तो तूने मेरे पति के रूप से रहनु ही होगो। अरे ना जानू से ना तेरे जी बहुत बड़ा बड़ा ने नेम तोड़ दिया तेने कितना नेम पकड़ लिया भारी। जब रानी के बोली अरे नेरा यार गड़ा गो बन जा चाव से पैरा डोलूंगी, मेरो यार गड़ा गो बन जा चाव से पैरा डोलूंगी, अय्या बहुत शोक लगाई और सुन रे बावड़ा या दुनिया में बैठी आई। अरे रावण लिया यो जा जान की वा राजा जनक की जाई, अरे जइया तो न खोल सुनाऊंगे मेरो यार गवा को बन जरवा मेरे पे या डो सररररे मेरो यार गवा को बन जा गवा मेरे पे या डो डोलूंगी रे चाव में पैरा डोलूंगी मेरो यार गला को बन जा गड़ मेरे पैरा डोलूंगी रे मेरो यार गला को बन जा गड़ मेरे पैरा डोलूंगी। अरे जोत मिल रे पूर्ण मल ने बोली ये बोली अरे बोली चाव से तूने बोलूंगी मेरो यार गला को बन जा पंपापुर में वेली न्यू बाली बता भोड़िया को नागे गाली रवा तूने खोल सुनाऊंगी मेरो यार गला को बन चल मेरे पे या डोलूंगी अरे तूने रे मेरो यार गला को बन चल मेरे पे या डोलूंगी। अरे बढ़ती आगे बुझा दे गेर देखू ना पानी और गणा चाव से बोल तूने राख ले मुने रानी अरे को ना पड़ेगी आनी मैल में खोजा डोलूंगी तेरो और गला को बन धागा में पैरा डोलूंगी मेरो और गला को बन जा तूने
भगवान तुम्हारी माया, और पूर्ण बल की वो भाई थर थर दूजवा लागी काया। अरे मैं कया महल में आया, मेरा के बाग जागाया, आया के बला गो, अरे माया समय डोलूंगी शेज महल में निर्भय पोट लगा जान, अरबावला सबसे ऊंचा महलू में अस्थान, अरे तूने करवा दूंगी ज्ञान, अरे ज्ञान बावला राजा के मतलब बोलूंगी तेरो मेरी खास धर्म की माता, ये बावड़ी ये कहीं दे छपाता दोनों का नियम चंद्र की रानी, ये कुंभा की करवा दीनी गायी वे दिन क्या बोल ये बावली कैसे नहीं सुनाई था, अरवे बाली ने को खायो ना के का, ये दान जगत मातर गोरी एक बाण में मेरे को जैया मुंडो मोड़ छे माँ बेटा का धर्म, ये कया बोले थे नरम नरम मेरे बाप का महल क्या दे उल्टा मोड़। अरे भगवान तुम्हारी माया, अरे रानी ने ऐसा वचन सुनाया, अरे पूर्ण काचा जागा सूत्र बावड़ा जाया जागा पूते, अरे चलती नैया ने का डोटी मोड़। अरे भाई कर सुनाना खास,
अरे रानी लामा लामा वो बाया बरबा लागी सास, अरे मेरी ना जी बागी आस, अरे पूर्ण कैट मासे मुंडो मोड़ से प्रेम गाटे ओटो तोड़ थर दे दो पूर्ण मल हाथ जोड़ कर कहवा लगो बोलू माता दान करी तेने कहा कि जनक सुता यानी रामचंद्र की रानी ने राम ले आयो तो बोलो फिर के सुख थोड़ी पायो बहुत ही हैरान हुई और अपना कुटुंब भी खपा दियो लेकिन बाली ने भी यही काम किया तो हाथों हाथी भर लिया जब रानी कहवा ला के बोले बावड़ो हो रही कहीं नहीं मामा कर रहे अरे काचा जागा सूत्र जाया जागा पूर्ण तेरे महल तेरे बिना मेरे को तो एक शात भी चैन नहीं पड़ रही ही जया मछली पानी में तड़फड़ा रही है जया मैं मेरे महल बिना तड़फड़ा रही हूँ अरे बिछी बिछाई सहज बैठ कर ध्यान लगाओ और मेरे महल में सबसे ऊपर चाल करके आओ निर्भय आनंद लेके लेना देना से पूर्ण मारो जाएगा तूने जीणु से तो और मरणु से तो तू जाए बना अभिमान है लेकिन पूर्ण मरुंडा से भागवा की कोशिश कर बाके लागो की इस भगत तो इंडे रहनु ठीक नहीं है तो सोचो पूर्ण मल वापिस भागे जरा इनके का फंड रहते जाए अरे मोरचा कार्य पड़ी मला मन पूरण भागे बाबा गयो ये लज्जा राख दिए भगवान अरे अहिया दंद बाग दंदाड़ो जागे बाला गयो मुर्दा कार्य पड़ी रे मला मर पूरण भोग बाला गयो अरे वापट जी रे मुर्दा कार्य पड़ी रे मला पूरण भोग बाला गयो अरे पूरण दौड़ करके रंग में लागे बार आया अरे रानी भाई लूणा दे रथ दीनी माया अरे आया मंडगी पासीर बलालीनी दासी ये दे दे कोड़ा की खालो डाद काल जो त्यागो बोले कार्य पड़े रे मला हमरे पूरण भाग वाला गयो गयो कार्य पड़े रे मला पूरण भाग वाला गयो अरे रो बाला की आँखा में आगो पानी और पूरण की वो भाई राख ली सेनानी अरे अब जानूंगी मैं तू ना खेचा ताईनी ये जारा जाने कह दे मेरे कल के कहाँ लागो राजा खैर पड़ी मला मरो पूरण भोगे लागो इतना देर लगावो और तेरी सर्थ का जाल बिछावो ये जल्दी दरबारा में जावो अरे जावो ऐसा वचन सुना बाग लागो पूर्ण अपने उपाय ऐसी लगाई कि कया महल से बाहर निकलो अच्छा जी के महल से जब महल मां से निकलने की कोशिश करी कहीं भाग करके बाहर आयो जब मूर्छा खाकर ने पड़गीर पग पीट बागे दासी ने बुला करके कहवा लगी बोले दासी बैठी मना रहे बैठी रहेगी जितनी नुकसान में जावांगी अब तो ऐसा ही होगा कि पूर्ण जीणु ही कोने दुनिया में।